नमस्कार साथियों, आदाब। मैं शफी मोहम्मद सैफी एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। देश की बड़ी खबरों और एनसीआर क्षेत्र की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कड़ाके की ठंड के बीच अब बारिश भी उनके सब्र का पूरा इम्तहान ले रही है। लगातार दो दिनों से हो रही बारिश की वजह से किसानों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद किसान डिगे नहीं है और किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए उस समय समस्या खड़ी हो गई जब आज सुबह बारिश फिर से शुरू हो गई। बारिश से खुद को बचाने के लिए कुछ किसान भागकर टेंट के नीचे घुसे, कुछ ट्रॉली के नीचे छिप गए। कड़ाके की ठंड के बीच बारिश में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ा दी है। कुछ किसानों ने बारिश में भीगते हुए सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग की। एक प्रदर्शनकारी किसान ने बताया कि त्रिपाल और जो कुछ भी हम लेकर आए हैं उसी से ठंड और बारिश से अपना बचाव कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने किसानों के लिए एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने किसानों से अपील की है। चलो हमें दिल्ली गाजीपुर जो किसान क्रांति गेट है, हम वहाँ पर ये सुबह की तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कोई हिल स्टेशन की तस्वीरें नहीं है। ये तस्वीरें वे हैं जहाँ पे किसान पिछले 40 दिन से किसान आंदोलन कर रहा है। सरकार को कोई सूत उसकी नहीं है। किस तरह का यहाँ का बारिश का माहौल है, जैसे पहाड़ों से पानी यहाँ पर नीचे आता है, ऐसे आप ये देखोगे जो ये हालात हैं, जो किसानों के जो टेंट लगे हुए हैं, किस तरह से किसान यहाँ पर रह रहे हैं, ये हालात सुबह सुबह की गाजीपुर किसान क्रांति गेट की ये तस्वीरें आप देखोगे कि जैसे पहाड़ से पानी झरने और बड़े बड़े उससे चलता है, कैसे यहाँ पर मिट्टी जो बहके कैसे कैसे ये बहके आ रहे हैं। आप ये हालात यहाँ के देखोगे, किसान किन हालातों में यहाँ पर रह रहा है। तो ये मेरी अपील सभी किसानों से है कि जो भी गाजीपुर बॉर्डर उस पावे अपने ट्रैक्टर के ऊपर पन्नी, तिरपाल, ईंधन, गोसा ये सारी चीज़ लेकर आवे। अभी आटा और यहाँ पे चीज़ ना लेकर आवे, आटा यहाँ पे बहुत है। दूसरी चीज़ों की आप व्यवस्था करके आ सकते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत हो उन चीज़ों को ही लेकर आवे। ज़्यादातर यहाँ पे पन्नियाँ इनकी ज़रूरत है। जो ट्रैक्टर अपने लेकर आवे बाँस के साथ में, उसको बांध से ऊपर से बरसात उस मना जाए, इन की चीज़ों की व्यवस्था करके आपको आनी है, क्योंकि बरसात है और सर्दी भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो जो भी गांव से, जो भी प्रायजा गांव से आ रहे हैं, वे इन चीज़ों का इंतजाम करके आवे। और ये देखोगे कि ये पूरे जो हमारे जो वर्कर हैं, ये पूरे जो वॉलंटियर्स हैं, ये पूरे जो किसान हैं, वे सब लगे हुए हैं यहाँ पर। कैसे पानी यहाँ पर निकल रहा है, जैसे कोई हिल स्टेशन हो, इतना पानी यहाँ पर निकल रहा है। सभी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। राकेश टिकैत, गाजीपुर किसान क्रांति गेट, दिल्ली।